Good morning, students. Today I'll be taking trigonometric ratios of some specific angles. सबसे पहले 45 डिग्री लेते हैं. TR of 45 degree. We have a triangle ABC with this angle B as 90 degree and A and CR of 45 degree. A भी 45 degree का है और C भी 45 degree है. अब आप जानते हैं जब एंगल ए और एंगल सी बराबर हैं तो इनके ऑपोजिट आने वाली साइड्स भी इक्वल होंगी. बिकॉज दिस इज अ थ्योरम यू हैव रेड, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. सो बी सी इज इक्वल टू ए बी एंड लेट अस टेक इट एज ए. इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम, ए इज एनी कॉन्स्टेंट. नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी व्हाट डू वी हैव? AC square is equal to AB square plus BC square. AB be A square, BC square be A square. This gives you 2A square, and therefore AC is equal to under the root of this 2A square. So A square to root se bahar aa gaya A, aur ye reh gaya root 2. Now sine of 45 degree, kyunki A humne base angle liya hai na, to sine 45 degree is what? Sine of any angle is perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse, that is BC upon AC. What is BC? BC is A and AC is A root 2. So this comes out to be 1 by root 2. Similarly, what is cos? Cos 45 is base upon hypotenuse. Now base here is AB upon hypotenuse is AC. AB भी आपके पास A ही है और AC है A root 2. This is also 1 by root 2. Tangent 45 is perpendicular upon base. Perpendicular upon base. Perpendicular is BC, base is AB, A upon A, that is 1. One thing remember, tangent theta can also be written as sine theta upon cos theta. देखिए sine theta क्या होता है? Sine theta होता है perpendicular upon hypotenuse. Cos theta होता है base upon hypotenuse. Hypotenuse, hypotenuse cancel, we get perpendicular upon base, and perpendicular upon base is nothing but tangent theta. Okay, so tangent theta can also be found by writing sine theta upon cos theta. यहाँ पर अगर हम sine 45 upon cos 45 करेंगे तो 1 by root 2 upon 1 by root 2 it is 1. Similarly, इसी के हमने reciprocals भी निकाल सकते हैं. Cos 45 is 1 upon sorry, cosecant 45 is 1 upon sine 45, that is 1 upon 1 by root 2, it will give you root 2. Similarly, this is 1 upon cos 45, secant theta, reciprocal of 1 upon 1 by root 2, it is also root 2. And cot 45 is 1 upon tangent 45. That is 1 by 1 and it can be found as 1. Now taking trigonometric ratios of 30 degree and 60 degree. Ek saath hi nikalenge hum, ek hi triangle banayenge. We draw an equilateral triangle ABC. Theek hai? Humne dimensions again side ke le li A. Tino sides barabar hai? A maan liya humne. A units. क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम जानते हैं तीनों एंगल्स भी 60-60 के होंगे. एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी इज ऑफ 60 डिग्री. नाउ व्हाट वी डू इज वी ड्रॉ परपेंडिकुलर एडी टू बीसी. एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी. नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप. देखिए आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब आप ये परपेंडिकुलर डाला ये 90 हुआ तो राइट
और ये दोनों साइड्स तो बराबर हैं ही, क्योंकि ये धीमी है आपके इक्विलेटरल है, तो राइट हाइपोटेन्यूज और ये कॉमन साइड ए डी हो गई, तो आर एच एस से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बी डी इज इक्वल टू सी डी, एंड दिस बी डी इज इक्वल टू सी डी मतलब ये हाफ बी सी के बराबर हो गया, और बी सी है ए तो इट इज ए बाई टू। सिमिलरली एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी भी इक्वल हो गए, पूरा ये एंगल बी ए सी है आपका 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री डिवाइडेड बाई टू, दैट इज 30 डिग्री। तो ये दोनों जो एंगल्स और ये दोनों जो बी डी इज इक्वल टू सी डी एंड एंगल बी ए डी इज इक्वल टू सी डी, दिस यू गेट बाई कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। नाउ लेट अस फाइंड द टी आर, साइन 30 डिग्री। अभी देखिए ये वाला एंगल है आपके पास 30 डिग्री, तो इसको हमने बेस एंगल लेना है। जब हमने टी आर निकालना है तो जब ये बेस एंगल होगा तो ए डी बेस हो जाएगा और बी डी परपेंडिकुलर हो जाएगा। नाउ साइन 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे बी डी और हाइपोटेन्यूज है ए बी। नाउ व्हाट इज बी डी, बी डी इज ए बाई टू एंड हाइपोटेन्यूज ए बी इज इक्वल टू ए, एंड दिस गिव्स यू 1/2। सिमिलरली कॉस 30 इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ बेस क्या होगा 30 डिग्री के केस में, ए डी। यहाँ पे हमने एक चीज भूल गए हम, ए डी अपॉन ए बी। ए डी हमने कैलकुलेट करना था पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ कर देते हैं हम। बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर ये साइड ए है और ये ए बाई टू है तो व्हाट इज ए डी, बाय पाइथागोरस थ्योरम ए डी स्क्वायर इज नथिंग बट ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, है ना। ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज ए स्क्वायर और ये हो गया ए बाई टू का होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, एंड दिस गिव्स यू 3/4 ए स्क्वायर। तो देयरफॉर ए डी क्या हो गया हमारे पास, अंडर द रूट 3/4 ए स्क्वायर। यहां लिख लेते हैं हम, थ्री बाई फोर ए स्क्वायर, तो ए डी इज इक्वल टू अंडर द रूट 3, ए आपका बाहर आ गया रूट से अपॉन 4/, रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा 2। सो हेयर व्हाट वी हैव, ए डी अपॉन ए बी, ए डी इज ए रूट 3/2 अपॉन ए बी इज ए, ए से ए कैंसिल हो गया और हमारे पास कॉस 30 आ गया √3/2। नाउ व्हाट इज टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर, बी डी अपॉन ए डी, बी डी इज ए बाई टू और ए डी इज ए रूट 3/2, तो ए से ए कट गया अपॉन टू से अपॉन टू कट गया, दैट इज 1/√3 इज टेंजेंट 30। इसी तरह हम इसके बाकी के टी आर्स भी निकाल सकते हैं, कोसिकेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/sin 30 डिग्री, दिस विल गिव यू 2/1, सीकेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/cos 30 डिग्री, दिस विल गिव यू 1/√3/2, दैट इज 2/√3, एंड लास्ट इज cot 30 डिग्री इज 1/tangent 30 डिग्री, दिस इज 1/√3 एंड दिस विल गिव यू 2/3।
नाउ कमिंग टू 60 डिग्री। अब यहाँ देखिए इस ट्राइंगल में 60 डिग्री वाला एंगल कौन सा है? बी। तो अब बी आपका बेस एंगल हो गया, तो बी डी बेस हो गया ट्राइंगल ए बी डी में, इन ट्राइंगल ए बी डी, ये भी इन ट्राइंगल ए बी डी, बी बेस हो गया, तो बी डी बेस है तो ए डी हो गया आपका वर्टिकल यानी कि परपेंडिकुलर। तो साइन ऑफ 60 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए डी अपॉन ए बी। ए डी इज इक्वल टू ए रूट 3/2 और ए बी है ए, तो साइन 60 इज रूट 3/2, ए से ए कैंसिल आउट हो गया। कॉस 60 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है यहाँ पे क्योंकि बेस एंगल ये है बी डी अपॉन ए बी, ए बाय टू अपॉन ए, दिस विल गिव यू 1/2। टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब ये बेस एंगल है तो परपेंडिकुलर हो गया ए डी और बेस हो गया बी डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ए डी है आपके पास ए रूट 3/2 और बी डी है आपके पास ए बाय टू, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ए से ए कैंसिल, आपके पास आ गया रूट 3। इन्हीं का रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। कोसेकेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 60 का रेसिप्रोकल 1/sin 60, दिस विल गिव यू 2/√3। सेकेंट 60 डिग्री इज नथिंग बट 1/cos 60 डिग्री, दैट इज 2/1। कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/tangent 60 डिग्री, दैट मीन्स 1/√3। इन दिस वे These are the TRs of the angles. इसी तरह 0 degree and 90 degree, TR of 0 and 90, ये आपको derivation नहीं करना है, इसका direct हम बता देते हैं। This is now deleted from your syllabus. So sine 0, cos 0, tangent 0 degree. साइन 0 डिग्री इज 0, कॉस 0 डिग्री इज 1 एंड टेंजेंट 0, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, साइन 0 अपॉन साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, दैट इज 0 अपॉन 1 एंड दिस इज 0। सिमिलरली इनके रेसिप्रोकल्स आप निकाल सकते हैं, कोसेकेंट सेकेंट एंड कॉट। देन कम साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री एंड टेंजेंट 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री इज 1, कॉस 90 डिग्री इज 0, टेंजेंट 90 डिग्री इज साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री, that is equal to 1/0, and this you know it is not defined, zero se division defined nahi hoti hai, so isliye tangent 90 degree is not defined. Similarly aap inke reciprocals bhi nikal sakte hain, cosecant cosecant 0 degree ho jayega 1/0, that means not defined, secant 0 degree ho jayega 1/1, that is 1, and tangent 0 degree ho jayega 1/0, not defined. Similarly sine 90 hai 1, to cosecant 90 bhi 1 ho jayega, cos 90 0 hai to secant 90 1/0 ho jayega, and 1/0 you know it is not, 1/0 is not defined. Similarly tangent 90 is 1/cot 90 will be cotangent 90 will be cos 90 upon sine 90, that means 0/1, and that will be 0.
वैल्यूज या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री ये आपको याद रखने पड़ेंगे बिकॉज वी हैव टू यूज देम डायरेक्टली इन द क्वेश्चन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डेरिवेशंस. थैंक यू.